दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने ले लिया अपना बदला। जिस ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप में हमें हराकर हमारा दिल तोड़ा था, उसी ऑस्ट्रेलिया को रोहित की सेना ने हराकर अपना बदला ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें, रोहित शर्मा की तूफानी पारी और कुलदीप यादव की चमत्कारी गेंदबाजी के दम पर यह करिश्मा संभव हो पाया है। भारतीय टीम की इस जीत पर ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा बयान दे डाला है। आपको बता दें, शोएब अख्तर से लेकर मोहम्मद हफीज, वकार यूनिस से लेकर वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया की हार पर भी बड़ी बात कही है। तो आइए चलिए दिखाते हैं इनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस हार के साथ लगभग T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 205 रन बनाए, जिनमें रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए 41 गेंदों में 92 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 8 छक्के लगाए। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 27 रन ठोके। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका, 2 छक्का लगाया। शिवम दुबे ने भी 28 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने 31 रन बनाए। दोस्तों, एक वक्त तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में आगे थी। ग्लेन मैक्सवेल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की, तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया और टीम इंडिया मुकाबला लगभग जीत चुकी थी। इसके बाद फिर क्या था दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला अपने नाम किया और यहीं पर वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला भी पूरा हुआ। भारत की इस दमदार जीत के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, शोएब अख्तर ने कहा, आखिरकार भारतीयों ने अपना बदला ले ही लिया। मैं तारीफ करना चाहूंगा रोहित शर्मा की, उसने क्या खेल दिखाया है, क्या कप्तानी की है। ये साबित करता है कि ऐसे ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से टीम इंडिया है। कंगारुओं को बहुत घमंड था, लेकिन शेर की तरह खेलते हुए भारतीयों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे थोड़ा बहुत हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी सीख सकते हैं। दोस्तों, शोएब अख्तर के बाद वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे भारतीय टीम बहुत पसंद है। जिस तरीके से उनके खिलाड़ी मुश्किल वक्त में सामना करते हैं और जीत दिलाते हैं, ये लाजवाब है। इन्हें गिरकर उठना आता है। भले ही वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हराया था, लेकिन इन्हें पता है कि किस तरीके से बदला लिया जाता है, किस तरीके से बड़ी टीमों को हराया जाता है। जिस माइटी ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर बड़ा घमंड था, उनका घमंड अब चकनाचूर हो चुका है। भारत को जीत के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, शोएब अख्तर और वसीम अकरम के बाद बड़ा बयान दिया है मोहम्मद हफीज ने। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो भारतीय टीम ने अच्छा खेला है, उनकी तारीफ करनी होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच उपहार स्वरूप उन्हें दे दिया है। जितनी उम्दा खेल खेलनी चाहिए थी भारतीय टीम को, उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पूरा एफर्ट नहीं डाला, नहीं अगर वो अच्छा खेलते तो वही मुकाबला जीतते। खैर, अब जो हो गया वो हो गया, भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी। दोस्तों, मोहम्मद हफीज के बाद वकार यूनिस ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, ऐसे ही भारतीय टीम अच्छी टीम नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अपना बदला लिया है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और उसकी कप्तानी की तारीफ करनी होगी। उसने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है और अपने खिलाड़ियों को तैयार किया है। ये जीत स्टेटमेंट है कि टीम इंडिया ही इस साल का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों के सुर बदल गए हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।